सबको बोलो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको वीडियो का टाइटल देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई किधर जा रहा है। भाई जा रहा है आपका अम्ब्रेला वाटरफॉल, जो कि एपटाबाद से आगे हवेलियाँ के करीब है। बेसिकली मैं जा रहा हूँ एफसी कॉलेज के बच्चों के साथ। एफसी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टूर अरेंज किया और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी टूर के साथ जा रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं अपनी कन्वेंस पर जाता हूँ या जाता ही नहीं, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, तो देखते हैं कि कैसा जाता है। प्लीज़ कमरे की हालत को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि बॉयज़ के रूम्स ऐसे ही होते हैं। आज फ्राइडे है और रात को 10 बजे हम लोगों ने निकलना है, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है हम पाकिस्तानी हैं तो 11-12 बज जाएंगे हमें जाते हुए, तो देखते हैं क्या होता है। और मोटरवे के ऊपर हमें कुछ पठान भाई नजर आए जो कि अपने दोस्त की बारात लेके जाए थे और वो बहुत खुश थे माशाल्लाह। सुबह सुबह हमें ये खूबसूरत खूबसूरत पैरों का दीदार हुआ। सुबह होते ही हम लोग एपटाबाद के मोटरवे पे मौजूद थे। सफ़र सो फार अच्छा गुजर रहा था, मौसम काफ़ी गर्म था। तो जी ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा सुबह का नाश्ता जो कि बस मुनासिब था, बड़ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ अम्ब्रेला वाटरफॉल पे, ये एपटाबाद से आगे है। मंजर तो बहुत प्यारा है यहाँ पे, बाकी ट्रैक करते हैं तो आपको दिखाते हैं। نوازنده کیبورد و خواننده علی سپاهیان. با تین روز رات ٹریک کرتے کرتے تھکے ہیں، تو سا ریسٹ کر رہے ہیں اور ان کو راستہ دے رہے ہیں آپ، ताकि हम अपना रास्ता जारी रखें। और उमर भाई हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, और आए मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाता हूँ। ये पहाड़ है और वो हमने नीचे जाने, तो आ जाए। और मज़ा भाई, फटा खुला चड्डा माशाल्लाह। नहीं नहीं, मैं बेवफा नहीं हूँ। तो फाइनली वो जगह आ गई जिसके लिए इतनी मेहनत की। सोचता था आज कल चल बदले ये जहां, कहता रहा मैं आज कल चल आए दुनिया। इस जहां एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, जब भी यहाँ पे आना है इन लोगों से बचना है आप लोगों ने। ये पूरा माफिया है, एक पूरा अच्छा ट्रैक है, उसको छोड़ के ये लोग कहते हैं कि यहाँ से आप जाएं क्योंकि इनको यहाँ से पैसे मिलते हैं। तो जी खबर, उस रात हम लोग वो ऊपर से चलते हुए आए हैं और उमर साहब बहुत बड़ा गिरा हुआ है, देखो मैं चोटें लग गई हैं। उमर मल्टीपल टाइम्स गिरा है और मैं इसकी गलतियों से सीखता रहूं तो मैं बच गया हूं। तो अभी यहां पे यार बहुत ज़बरदस्त मंजर है, आप देख सकते हैं कि ऊपर से आ रहा पानी और यहां पे भी है। हम लोग को बड़ी मुश्किल ट्रैक है जो ऊपर से चल के आए हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपनी वालदा या वालिद साहब जो कि 50+ हैं तो उनको साथ लेके ना आएँ, या जिनको भी अगर कोई घुटनों छुटनों का मसला है तो उनको काइंडली ऐसे लोगों को ना लेके आएँ, क्योंकि बहुत मुश्किल है नीचे आना। स्पेशली जब आप नीचे आते हो ना तो वो आपको देखें, वो उस टाइम आपको नीचे आना पड़ता है रस्सी पकड़ के। मैं और लड़कियाँ काफ़ी गिरी हैं यहाँ से, ये ध्यान से आना। यहाँ पे जगह जगह पे आपसे 50 रुपये लेंगे, वो आपको देने पड़ेंगे।
आप ये गंदी सी जूती, टूटी हुई जूती भी 50 रुपए की हमें मोबाइल जमा कराना है 50 रुपए, जूती आपकी किसी सीट के उधर चली जाए 50 रुपए, 50 रुपए बटर रेट है वो आपने खुले 50 रुपए लेके आने यहाँ पे, ठीक है ना उमर साहब? ऐसे ही है, तो ये सीन है। तो बाकी का ब्लॉग आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे, यहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए हैं और काफी इंजॉय हो रहा है। This is not a flow, bro. Okay. Billu. Billu boy. तो जी खवातीनों, रात हमने यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया है और अब हम लोग वापस जाएंगे, और वापस जाना बड़ा मुश्किल है लेकिन उमरा कोशिश करेंगे टाइम से पहुँचे ऊपर और सही सलामत इंशाल्लाह ताला। ठीक है उमरा, अब वापसी के लिए हम लोग इधर इसको क्रॉस करेंगे और वो वहाँ से होते हुए हमने जाना है ऊपर टॉप पे। रास्ता कोई बात नहीं, पकड़ लेते, रास्ता थोड़ा सा दुश्वार है लेकिन इंशाल्लाह हम लोग पहुँच जाएंगे। उमर भट्ट, आर यू रेडी? यस। चलो भाई। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? अमन सदीक। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? ये 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, यहीं के रहते हैं? यहीं के रहते हैं। और क्या क्या बेचते हैं आप? चाय, पकौड़े, समोसे। अच्छा, और इंशाल्लाह रोटी का भी प्रोग्राम है यकम के बाद। चले इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जी जी सर, कैसा है समोसा? सर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यार, उसका दिल ही रख ले थोड़ा सा। बहुत अच्छा है यार, बड़ा मजेदार है, टेस्टी है, झूठ बोल रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक नहायत मुश्किल तरीन, और ये भाई जान मुझे बचाते हुए। यार ट्रैक बहुत मुश्किल है यार, उतरना बहुत मुश्किल है। उम्मुल हयात वह नाम है उसका भाई, उम्मुल हयात। तो जो भी है भाई, ये इस टाइम पे हमारे लिए नेस्ले ही है यार, इसमें सिंदर डाला होता। हाँ हाँ हाँ, कुर्बान जाऊँ तुम्हारी ख्वाहिशों में, जंगल में तुम मंगल करने जा रहे। अच्छा चढ़ना आसान है भाई, लेकिन फिर भी चोट लग गई। मैंने कहा था ये वाला ट्रैक ईजी है उतरने के लिए भी। यार वो डंगर पता नहीं कहाँ से वैसे तो नहीं ना जी। फाइनली हम लोग पहुंच गए ऊपर, बहुत मुश्किल ट्रैक था भाई। भाई इनको बताओ क्या इस तरह का रास्ता था यार? ओ भाईजान, कुत्तों वाला रास्ता है। ये जितना सामान लेके जा रहे हैं ना, जितना कम पकड़ेंगे उतना अच्छा आपके लिए। बस मैं इनको बता रहा हूँ, नीचे खाने पीने का कोई चक्कर नहीं है। हाँ ये तो महीने का राशन साथ लेके आया बस। ये जो पतीले पकड़े हुए ना आपने, ये डिग जाने ने। बस ये मजाक नहीं कर रहा, ये तो महीने का राशन साथ लेके आया है। ये ना ज्यादती करने अपने साथ। ये यूं सीधी है यार, पतीली सामेंगे अपने आप को। 2 घंटों का रास्ता होगा नीचे से, घंटा लग जाना आपको नीचे जाते हुए। तुसी रोटियां भी फड़िया ने यही क्या बंदे हैं? रोटियां चेक करो, पतीलियां चेक करो। वो किधर गया? वो तो देखो पिशोर आया, पिशोर से आए जी। ओए होए, क्या मेन्यू क्या है? ए सिलेंडर आओ, सिलेंडर नहीं है क्या? हेलो, ये साथ लेके आए? इसको लाल कर ले, ये है सिलेंडर साथ है यार। आप हमें जवान जवान कहते ने, खुद आप पहले पहुंच गए।
यार साथ हमने कहा यादें इकट्ठी करते ही जाएं, ये जरूरी है। तो इंशाल्लाह होती है आपसे मुलाकात। अच्छा आप भी जा रहे हो? नहीं, हम अब जाएंगे इस्लामाबाद मनाल, वहाँ से फिर घर। वन डे ट्रिप था हमारा। चलिए आप खैर से जाएं, फिर होती है इंशाल्लाह मुलाकात। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सो ये हमारा बैक व्यू है और बहुत मज़े का ट्रैक है और मेरी ज़िंदगी का पहला था एक्सपीरियंस। उमर साहब हमसे पहले पहुंच चुके हैं। उमर साहब रुके नहीं, हाँ उमर बिल्कुल नहीं रुका। यो ब्रो, अभी मैंने एक बंदे को कहा, मैंने कहा यार मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ, मुझे ना मुफ्त शरबत पिला दे यार। उसने मुझे 2 ग्लास मुफ्त शरबत पिला दिया। यार कौन सा बंदा है? पठान साहब लुटते रहे, लुट गया। इससे ज्यादा मजा नीचे है। हाँ बिल्कुल, बहुत मजा। वो है कि आपका कैसे पैसे वसूल हो जाते हैं नीचे जाके, और सुबह सुबह आए तो बेहतर है। इस टाइम पे गर्मी बहुत, रश भी हो गया है और गर्मी भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो क्या नाम है आपका? अरसलान। अरसलान क्या करते हो? ये वॉशरूम कर रहा हूं। वॉशरूम का जी। तो क्या आप चार्ज करते हो पर पर्सन? 20 रुपए। 20 रुपए ऊपर तो बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। आप क्यों इतना सस्ता कर रहे हो? वैसे ही शरीफ आदमी हो जी। पढ़ते हो जी? कौन सी क्लास में? 4 में जी। और अब्बू क्या करते हैं? अब्बू 4th हो गए। और अम्मी? अम्मी कुछ नहीं, घर है। आप ये काम करते हो जी? अच्छा जी, अम्ब्रेला फॉल में कोई भी आए ना तो उनके जो पार्किंग एरिया से पहले ये यहाँ पे दुकानें आती हैं और यहाँ पे वॉशरूम्स बने हुए हैं। तो क्या नाम है आपका? अरसलान। अरसलान के पास आपने लाजमी आना है। अरसलान आपको 20 रुपये चार्ज करेगा। आपने इसको मैक्सिमम जितने भी हो सके आपने इनको पे करने हैं, ठीक है? और इसकी हेल्प करनी है आपने, तो ठीक है अरसलान। और अरसलान अभी 4th क्लास में पढ़ता है, तो और जितनी सपोर्ट आप कर सकते हैं करें इसके लिए, ठीक है? ऐसा ऐसा कर दो, ठीक है? यहाँ पे अपना होटल बनाना है तुमने जी। मैं पहले ही कह रहा हूँ। और ये भी इंशाल्लाह मुलाकात, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। चलो ऐसा ऐसा कर दो, चलो अल्लाह हाफिज़। अब हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट हो चुका है और अब हम जाएंगे इस्लामाबाद मनाल। ये लोग ऐसे जालिम हैं, खुद मेरा भाई बैठ के आ गया आराम से। हैं? नहीं नहीं, मैं पैदल आया। अच्छा पैदल आया, चलान भी हो गया। ये हमारे साथ जुल्म किया इन्होंने, इनको सजा मिली। फाइन हो गया, फाइनल। तो जी फाइनली हम लोग बस में आके बैठ गए हैं। और यार क्वाय साहब, अगर इनमें इंसानियत होती ना थोड़ी सी भी, तो यकीन जानो इनका चलान ना होता। ये भाई जान बनता है हमें यार, 2 बंदे या 10 बंदे बिठाने से इतनी बड़ी बस को क्या फर्क पड़ जाना है। ऐसे ही है, टायर्स की टो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगले मेहरान में 4-4 बंदे 6-6 बंदे बिठा के लेके आ रहे हैं, वो कोई चक्कर नहीं है। ये हमें बिठा के नहीं लाए तो इनको सजा मिली है, बस फिर इंसाफ तो होता है ना। बहुत अच्छा हुआ हमें पहले चला के लेके आए। हाँ जी, बहुत अच्छा हो गया ये चीज। जो उन्होंने 500 मान से ज्यादा लिया था ना, वो 1000 हो आगे भी 500 होना इंशाल्लाह। आगे मैं तो कहता हूँ 1000 के दो तो अल्लाह इसके दिल में डाले, तेज चला तेज चला। और ये तेज चला और चला। बना सकोगी मैं वो राज़ू, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज़ हूँ। देख लो भाई, हम उधर जा रहे हैं। इस जहां में अब तो तोड़ा होगा सवेरा, खुशी में डूबे रहे ना कुछ मेरा ना तेरा। हो चलो लहराएंगे ये पतंग, उड़ते हुए गाएंगे। तो जी हो दिन रात, इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ मोनाल इस्लामाबाद, और यहाँ पे हम लोग लंच करेंगे और लंच करने के बाद यहाँ से लाहौर की तरफ रवाना होंगे। मैं 2000 किलोमीटर दूर यहाँ पे चक्कर लगा के इतना सफर करा है। ये गिनती के कोई 1, 2, 7 चिप्स के 2 नगेट्स हैं ठंडा, और ये किसी की छोड़ी भी ना उन्होंने दे दी।
बताओ भाई। देखो जो मिल रहा है वो खा लो, रास्ते में कुछ नहीं मिलना। चॉकलेट में डूबी हुई चिप्स है। ओए होए यार, हम और वो भी चार जिनके चार है, मुझे सात मिली है। चार मिली है आपको? कितनी मिली है? छह। आपको? आपको ज्यादा मिली है। हाँ जी बट साहब, यार जा यार, अपना वजूद देखो, प्लेटर देखो, मेरा मैच नहीं कर रहा यार। मुनाल कोई ना है यार, नहीं कसम ना आना कभी। खा ले क्यों? मैं इसमें से मैंगो खा लूं, मैं क्या खाऊं? ये बंद है ये कबाब खा लो, बाकी चीज है चाहिए? पता नहीं क्या है ये, तो खट्टा है, खराब तो नहीं है। इतना सा तो खाने दो यार, इतना सा कबाब है, इसको यूं पकड़ो तो यूं। हाँ तो इतना सा है, मुंह में डालो फाड़ो तो। तो जी ख़वातीन उस रात, इस टाइम पे हम लोग मनाल में मौजूद है, खाना शाना खा लिया हम लोगों ने, 6:35 हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि सात बजे हम लोग गाड़ियों में बैठेंगे और फिर हम जाएंगे लाहौर की तरफ। ख्याल है कि चार पाँच घंटे लग जाएंगे लाहौर पहुँचते हुए। ठीक है, तो बाकी ये है कि इस्लामाबाद तक के लिए ये ब्लॉग है, हम लोग एंडिंग करें। इस टाइम तक मेरी हालत ऐसी थी, मैं व्लॉग नहीं बना सकता था, फिर मैं सो गया। बाबा जी इस्लामाबाद, मैं ट्रिप से वापस आ चुका हूँ। मैं कल रात को वैसे पहुँच गया था, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि मैं व्लॉग की एंडिंग कर सकूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना नेक्स्ट डे क्लिनिक पे जाकर आप लोगों के साथ अपना प्रॉपर एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि आप लोगों को वन डे ट्रिप के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वन डे ट्रिप आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो वो इस सेंस में कि बंदा थक जाता है, नींद नहीं पूरी होती। जिससे हम लोग निकले थे फ्राइडे नाइट को, 10 बजे का टाइम था, लेकिन हम लोग 12 बजे निकले, 2 घंटे वहाँ पे वेस्ट हुए। देन फिर हम लोग सुबह 7 बजे पहुँचे हैं एबटाबाद में। एबटाबाद से फिर पूना गए हम लोग। अम्ब्रेला वाटरफॉल का जो ट्रैक है वो हम लोगों ने किया, जो कि पूरा एक पहाड़ है, वो नीचे आपने क्रॉस करना है ट्रैक करके, फिर उसके बाद आपने वापस आना है। ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वन डे ट्रिप का। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है और इस तरह की वीडियो आप आगे देखना चाहते हैं, तो मुझे काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सोचता था आज कल चल बदले ये जहां।